जाने माने शायर पटकथा लेखक और कवि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को उसी के शहर लाहौर में बुरी तरह से धो दिया। उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला जिसकी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर जावेद अख्तर ने लाहौर में बैठकर कहा कि मुंबई हमलों के दोषी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। समाज पर तीखी टिप्पणियां करने वाले पटकथा लेखक शायर जावेद अख्तर ने लाहौर में बैठकर पाकिस्तानियों को बड़ी नसीहत दे दी। जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में काफी प्यार मिलता है, मगर पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों के कार्यक्रम नहीं होते। तो ये मैं यहाँ में तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के लोग नॉर्वे मिस्र से नहीं आए, वो पाकिस्तान से आए और अब भी वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। साफ तौर पे आज दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जिस हालात में है वो उसी की अपनी करतूतों की वजह से है। आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा है अपने होम ग्राउंड टेरिस से। उन्होंने पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर बात करते हुए फैज अहमद फैज की मेमोरी के ऊपर लाहौर के अंदर साफ तौर पे कहा कि जो 26/11 अटैक हुआ वो टेररिस्ट जो है पाकिस्तान से आए थे और उसके बाद पाकिस्तान में वापस चले गए। आज कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान में फ्री घूमते हैं और शायद उनको बाबा किया जाता है। ऐसा देश जो है उसका क्या फ्यूचर है वो तो दुनिया जानती है, और आज पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से खुद बड़े पैमाने पर एक्सपोज हो चुका है। जावेद अख्तर का वीडियो वायरल होने के साथ ही कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूं तो लगता था ये कैसे माँ सरस्वती जी की इन पर कृपा है, लेकिन कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उसके साथ में। जय हिंद, जावेद साहब घर में घुस कर मारा। उर्दू के जाने माने शायर फैज अहमद फैज के नाम पर पाकिस्तान में हर साल फैज फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस साल जावेद अख्तर को आमंत्रित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।